वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ग्राफिकल प्रॉब्लम्स जो कि आपको चैप्टर सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री में से बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं। इम्पोर्टेंट ग्राफिकल प्रॉब्लम्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर एंड एक्सप्लेन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही सेकेंड है एक्सप्लेन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर, फिर उन पर हमें एक्सप्लेन करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान से आपको देखना है, मैं आपको ग्राफ कैसे बनाना है, क्या उसमें टर्म्स उतारनी है वो मैं आपको बताऊँगा। एक्सप्लेन वाला पार्ट आपको खुद रीड आउट करना है, वो सिंपली हो जाएगा बाद में। सो ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर, तो हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर इज ऑन द वाई एक्सिस। तो अब हमारा जो प्योर सोलवेंट है, मान लीजिए उसकी कर्व ऐसे है, दिस इज फॉर द प्योर सोलवेंट ए बी जो है कर्व, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा फॉर द प्योर सोलवेंट। नाउ अब हमने प्योर सोलवेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या करता है, वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। सो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर की जो होगी कर्व वो इसके नीचे बनेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो चुका है। सो दिस इज द कर्व ऑफ द वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन। तो ऊपर है हमारा प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बॉयल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक हो जाए। तो मान लीजिए यहां पर है 1 एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर, तो हम इसको यहां से मैच करते हैं, तो हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो तो यहीं पर बॉयल होना शुरू हो गया। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज द टी बी नोट। बट जो हमारा सॉल्यूशन है वो बॉयल होना शुरू हुआ यहाँ पर आकर, सो दिस इज द टी बी, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज द डेल्टा टी बी। तो जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हायर टेम्परेचर पर जाकर बॉइलिंग शुरू होती है। सो क्या बनेगा, डेल्टा टी बी, दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ऐसे होता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आप इजिली यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज ईजी। अब इसी ग्राफ पर हमें एक्सप्लेन करना है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसी ग्राफ पर, ये आपको नोट डाउन कर लेना है जल्दी से, इस पर अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हम सेम ग्राफ पर ही बनाएंगे। तो टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर ऐसे ही रहेंगे, तो सॉल्वेंट की कर्व ऊपर रहेगी सिमिलर, बट इस बार हमें उसे फ्रीज करना है, तो हम टेम्परेचर को लो स्केल पर बना रहे हैं। मतलब वो जो हमारा ग्राफ था वो यहाँ पर आगे था कहीं पर, वो ये हम 0 डिग्री के आसपास इसको बना रहे हैं, मतलब लो टेम्परेचर जहाँ पर भी वो सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है वहाँ पर। तो जब कोई सॉल्वेंट फ्रीज हो जाता है तो उसके ग्राफ में चेंज आता है, तो वो यहाँ से फ्रीजिंग अपनी कर्व फॉर्म करेगा। सो दिस इज द फ्रोजन सोलवेंट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज द फ्रोजन सोलवेंट। तो ये बन गई हमारी ए बी कर्व एंड दिस इज द सी कर्व। अब जो सोल्यूशन है उसका ग्राफ बनेगा इसके नीचे, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन का ग्राफ। अब ये इस फ्रोजन सोलवेंट को मीट कर रहा है यहां पर जाकर, सो दिस इज द पॉइंट डी, सो दिस इज द डी पॉइंट एंड दिस इज अवर ई पॉइंट, सो दिस इज फॉर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है यहां पर आकर,
और सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था यहाँ पर. सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है डेल्टा टी एफ. तो डेल्टा टी एफ हमारा क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहाँ से हमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मिल जाएगा. ये दोनों ही फ्रीजिंग पॉइंट एंड जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दीज आर प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी. तो हम इसमें एक कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ द के एफ. ये आप सॉल्यूशन चैप्टर में रीड कर सकते हैं, उसकी अलग से वीडियो है, वहाँ पर आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे. तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर वन. नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम, इससे अगली जो है प्रॉब्लम दैट इज़ द, हमें दो यहाँ पर आइसोबार्स दिए गए हैं. हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फिजिकल एड्सॉर्प्शन दैट इज द फिजियोजॉर्प्शन. इनमें से कौन सा आइसोबार फिजियोजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्ट वन इज दिस वन, फर्स्ट वन कुछ ऐसा है टाइम, यहाँ पर है हमारे पास टेम्परेचर एंड यहाँ पर है एक्स ओवर एम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एंड सेकेंड वन इज द ऐसा कुछ है टेम्परेचर एंड दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो अब आपको ध्यान से देखना है एक्स क्या होती है. एक्स इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेट, मास ऑफ द एड्सॉर्बेट. एंड एम इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. एंड एक्स ओवर एम दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पर पहले हुआ इंक्रीज, बाद में हुआ डिक्रीज. तो दिस इज द फिजियोजॉर्प्शन, दिस इज द फिजियोजॉर्प्शन. बट वाई, क्योंकि फिजियोजॉर्प्शन में क्या होता है, जब एड्सॉर्प्शन होती है तो वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो वैंडरवाल फोर्सेस ब्रेक होती जाएंगी और एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होती जाएगी. केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसमें हीट एनर्जी यूज होती है तो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट हो जाता है मैक्सिमम. बाद में जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए थे एड्सॉर्बेशन के टाइम पर वही ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो डिक्रीज होती है. तो यहाँ से आपको फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के ये आइसोबार्स में डिफरेंस पता चल जाएगा. सो नेक्स्ट वन इज द डिस्क्राइब द फ्रेंडलिट्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब द फ्रेंडलिट्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. हमें फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करना है. आइसोथर्म का मतलब होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द प्रेशर के बीच. प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच हमें ग्राफ को एक्सप्लेन करना है कि उसमें एड्सॉर्प्शन कैसे होती है, कितना एक्सटेंट होता है प्रेशर के साथ. सो ध्यान से देखिएगा इसे, इसे नोट डाउन करना है आपको, साथ में ड्रॉ भी करना है. फ्रेंडलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. सो दिस इज द ग्राफ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है एक्स ओवर एम एंड इस साइड पर है हमारा प्रेशर. अब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. शुरू में एट लो प्रेशर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है ये ग्राफ, एट लो प्रेशर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. इन द इंटरमीडिएट प्रेशर दिस इज द कर्व शेप. तो इंटरमीडिएट प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या इसने बनाई है, कर्व शेप. एंड एट हाई प्रेशर दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, एट हाई प्रेशर दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन शुरू होती है दैट इज द सेचुरेशन प्रेशर. और यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सो के पी, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा. यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, एट लो प्रेशर एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी. बिटवीन
एट द इंटरमीडिएट रेंज के इंटू पी रेज टू पावर 1/n एंड एट हाई प्रेशर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गई है सो ऑन दी के मतलब के कॉन्स्टेंट. सो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एट हाई प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाता है, कोई भी इफेक्ट उसका नहीं रहता. सो दिस इज द फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. एग्जाम में आपको यही एक्सप्लेन कर देना है कि के केस वन एट लो प्रेशर, एट द इंटरमीडिएट प्रेशर, एट हायर प्रेशर, सभी फॉर्मूले आपको साथ में उतार देने हैं. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं ये. सो अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर है हमारे पास थर्ड. तो थर्ड चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एग्जाम में आई हुई हैं. तो सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पर, स्टेटमेंट है इन ए प्लॉट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन फॉलोइंग कर्व्स आर ऑब्टेन्ड फॉर टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी. हमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी की कर्व्स दी गई हैं बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन. So this is the square root of the concentration इस तरफ है एंड मोलर कंडक्टिविटी है इस तरफ. तो एक हमें दी गई है यहाँ पर ऐसी कर्व और एक दी गई है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन. सो एक है ए की कर्व, दूसरी है बी की कर्व. हमें बताना क्या है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी. ए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा और बी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा. तो ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे मतलब हम यहां से मूव करेंगे इस तरफ, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज होती है. तो दो टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक. वीक की मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करती है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होने लगती है जैसे ही हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं मतलब डिल्यूशन करते हैं. तो जिसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है दैट इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. बट इसमें कुछ खास नहीं चेंज आ रहा है, रैपिडली नहीं चेंज हो रही है. सो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इसकी डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट थी बट इसकी डिल्यूशन होने के कारण वहाँ पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. सो ए इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड बी इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो आपका 1 मार्क्स सीधा इसी बात का है, आपको इन दोनों को डिटेक्ट करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है. बी पार्ट, व्हाट हैपन्स ऑन द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द लैम्डा एम टू द कंसंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो टू द इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी. अगर हम इनको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ये यहाँ पर, इसको एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब है यहाँ से हम डॉटेड इस लाइन को ऐसे ही सिमिलर एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा इसमें. तो ये जो ग्राफ है, ए का जो ग्राफ है वो तो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, क्योंकि सी की वैल्यू बन रही है जीरो. तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ए हम एक्स्ट्रापोलेशन के साथ सोल्व कर सकते हैं, बट बी के लिए वो एक्स्ट्रापोलेट पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा. तो इसका मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे, एट कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर ए. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेशन. तो एक्स्ट्रापोलेशन करने पर हम इसको ऑब्टेन यहां पर कर सकते हैं इजिली. बट बी के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है. वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दैट इज द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को सोल्व करने के लिए कोहल रोथ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. ग्राफ से वो आप नहीं ऑब्टेन कर सकते. ये प्रॉब्लम 2 बार पेपर में आ चुकी है. दूसरी में यही पूछा गया था कि बी की मोलर कनेक्टिविटी आपको कैसे ऑब्टेन करनी है, या फिर आपको पेपर में सीधी स्टेटमेंट आ जाती है. एक और स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर होगी कि हाउ डज द मोलर कनेक्टिविटी वेरी विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमने वही सब कुछ एक्सप्लेन किया है, दोनों में ही अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं मोलर कनेक्टिविटी डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं डिल्यूशन करते हैं तो मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है. एंड
हाउ कैन यू ऑब्टेन द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज बाई यूजिंग द कोहलरोथ्स लॉ, नॉट बाई यूजिंग द ग्राफ, दिस इज फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन द चैप्टर नंबर 4th, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स. तो ग्राफ्स दिए गए हमें सिंपल, ये हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. तो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है. हमें ऑर्डर प्रोडक्ट करना होता है ग्राफ से, और बाद में स्लोप के बारे में कुछ उन्होंने पूछा होता है कि इसकी स्लोप्स के साथ हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो ये दो ग्राफ दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज दिस वन, आर नोट, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन. इस तरफ है हाफ लाइफ. एक ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और सेकेंड है यहाँ पर आर नोट इस तरफ, और यहाँ से है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड यहाँ पर है टी हाफ लाइफ. तो ये दो ग्राफ्स हैं, अलग अलग दो पार्ट हैं इसके. प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द गिवन डायरेक्शंस फ्रॉम दिस ग्राफ्स. इसका ऑर्डर क्या है, अब देखिए आपको टी हाफ लाइफ, दिस इज द हाफ लाइफ, इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर नोट. ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ग्राफ उसके साथ नहीं चेंज हो रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता. तो ऐसा कौन से ऑर्डर में होता है, ये आपको खुद याद रखना होगा. तो अगर आपने हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज को रीड किया हुआ है, ग्राफ्स बनाकर देखे हैं, तो एक सेकेंड में इसका आंसर है फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही ऐसा होता है. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको वहाँ पर सिर्फ ऑर्डर लिखना है. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का. यहाँ पर कहीं भी फार्मूले में आर नोड नहीं आ रही, इसलिए दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज द, अब इसमें क्या है कि टी हाफ जो है लाइफ, वो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से ऑर्डर में होता है, हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज अगर आपने सोल्व किए हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में. जीरो ऑर्डर एक्शन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो इन ग्राफ्स को जरूर ड्रॉ करें, तो इसका आ जाएगा जीरो ऑर्डर, क्योंकि उसमें टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, आर नोड कंसंट्रेशन ओवर टू इंटू के. तो ये वहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाता है टी हाफ लाइफ का. तो इजी है बहुत ही ये पार्ट, क्योंकि अगर आपको आंसर इसका आता है तो बहुत ही जल्द आपका इसका आंसर भी हो जाएगा, और मार्क्स भी आपके इसमें से अच्छे स्कोर हो जाएंगे. सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड इज द क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड एज के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. If graph is the plotted between log k and 1 over t, write the expression for the slope of the reaction. हमें slope के लिए expression पूछा गया है, और हमें एक relation दिया गया है, that is k is equals to a into e raised to power e a upon rt. Graph बनाना है हमें log k and 1 over t में. तो take log on both sides. ये सोल्विंग आपके लिए एक्स्ट्रा है, बट ये आपको खुद पेपर में सोल्व करनी ही पड़ेगी, फिर ही आगे होगा. तो जब लॉग में दो टर्म्स हों, यहाँ पर m इंटू n है, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे. लॉग a, यहाँ पर हमने लॉग नेचुरल लॉग लेना है, सो यहाँ पर आपको करना है ln. लॉग बेस e है, ये नेचुरल लॉग लेना है. सो ln ऑफ a नेचुरल लॉग, क्योंकि यहां पर e रेज टू पावर है, तो उससे इजीली सोल्व हो जाएगा. सो लॉग के बीच किसी की पावर होगी, वो आगे आ जाएगी. सो ये बन जाएगा, और लॉग बच गया ln ऑफ e, दैट इज द 1. अब ln को हमें लॉग बेस 10 में चेंज करना है, तो क्या यूज करेंगे, 2.303 लॉग बेस 10 के. यहां पर बेस कितना होगा 10, और सिमिलरली यहां पर 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी. तो 2.303 से हमें सबको कर देना है डिवाइड, तो ये बन जाएगा लॉग के इज इक्वल्स टू, इस टर्म को आगे लिख लेते हैं,
माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t एंड प्लस लॉग ऑफ ए। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है, काफ़ी इजी है। अगर आपको ना भी दिया हो तो भी हमें इसे याद रखना पड़ता है, काफ़ी बार ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आपको ग्राफ पेपर में आ चुका है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हैं जिन पर बेस्ड हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन से आपको इन दोनों को करना है कंपेयर। सो दिस बिकम्स y, दिस बिकम्स m, दिस बिकम्स x एंड दिस बिकम्स c। सो हमारी स्लोप बन गई ये x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर और ये इसका इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ हम ऊपर बनाते हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है इजीली। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इससे हमारी दो प्रॉब्लम सोल्व होने वाली हैं, दोनों प्रॉब्लम्स ही काफ़ी अच्छी हैं। एक बार ये ग्राफ आया है पेपर में और एक बार ये ग्राफ आया है, तो दोनों हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द 1/t ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर है हमारा लॉग ऑफ के। तो ग्राफ की जो स्लोप का साइन क्या है, माइनस में, तो ग्राफ आएगा यहां से नीचे की तरफ। यहां पर जो इंटरसेप्ट है दैट इज द लॉग ऑफ ए, सी सी इंटरसेप्ट होता है। सो दिस इज द लॉग ए, दिस वैल्यू, एंड इसकी जो स्लोप क्या आएगी, स्लोप इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो ये इसकी स्लोप बन जाएगी। काफी इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आपको सॉल्विंग कर इसे कर देना है। तो ये था आपका इसका ग्राफ, दिस इक्वेशन का, इसे नोट डाउन कर लें। थोड़ा सा इसमें हमें सिर्फ चेंज करना है तो इस इक्वेशन का बेस हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, लॉग के की जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ के ले लेना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेचुरल लॉग ऑफ के, दिस वन दैट इज द वाई, और ये हमारी सी है। इन टर्म्स को आपको आगे पीछे कर लेना है, ये बनेगा m, ये बनेगी c। तो यहाँ पर भी आ जाएगा नेचुरल लॉग, ये हमारा दूसरा ग्राफ है, और यहाँ पर बच जाएगा ई ए अपॉन आर, माइनस ई ए अपॉन आर। ये हमारा दूसरा ग्राफ है अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये दोनों ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेने हैं, दोनों ग्राफ ही आपको पेपर में आ चुके हैं, तो काफ़ी ईजी प्रॉब्लम्स हैं। आगे करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कंसिडर द डायरेक्शन R टू P एंड उसके साथ एक ग्राफ दिया गया है हमें। उस ग्राफ में से हमें ऑर्डर एंड स्लोप फाइंड करनी है। सो दिस इज द ग्राफ, टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, और ग्राफ की जो शेप है वो कुछ ऐसे है। तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दोनों में स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, ग्राफ बनता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को अच्छे से रीड किया है, याद किया है, ग्राफ बनाए हैं, तो ये काफ़ी सिंपल है आपके लिए प्रॉब्लम। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही ऐसा होता है कि जब आपका ग्राफ है जो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है यहाँ पर। तो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से आपकी इक्वेशन कैसे ऑब्टेन होगी, दिस इज द वाई। तो इसका जो हमें फॉर्मूला, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर में। तो हम सॉल्विंग इसकी कैसे करते हैं कि आर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस आर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें इसको कंपेयर करना है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो हमारी स्लोप क्या बन जाएगी, माइनस के। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ये आया कैसे है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, दिस इज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट, इज इक्वल टू के ओनली, क्योंकि जीरो ऑर्डर है इसलिए। तो इसको डी टी को यहाँ पर लेकर जाएंगे, इसका इंटेग्रल करेंगे, तो ये सिंपली सोल्व होकर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम होती है। तो इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के। सो इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी, नेगेटिव ऑफ द
रेट कांस्टेंट, तो हम यहां से रेट कांस्टेंट को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ऐसी ही सिमिलर एक और प्रॉब्लम आपको पेपर में दी गई है, जहां पर के ग्राफ को थोड़ा सा चेंज किया गया है और पूछा यही कुछ क्या है, और साथ में यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी हमें पूछ लिए गए हैं। अगर ऑर्डर पता होगा तो वो भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट इज द, हमें ग्राफ दिया गया है, सिमिलर शेप है बट यहाँ पर है नेचुरल लॉग एंड आर। अब नेचुरल लॉग और आर में और टाइम में कौन बनाता है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग आर नोड ओवर आर। तो ये आप सभी ने ही याद किया होगा, हमने भी न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज़ किया था, बट अब हमें इसे नेचुरल लॉग में चेंज करना है। तो इसे 2.303 और लॉग को हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट, और इन दोनों का लॉग अलग अलग कर देंगे, दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, ओवर आ जाएगी टी। तो टी को इस तरफ लेकर जाएंगे, सो दिस बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ आर नोट। तो ये हमारी इक्वेशंस बन रही हैं। सो दिस इज द वाई, दिस इज द एम एक्स प्लस सी। तो एम का आंसर फिर से क्या आ गया, माइनस के। सो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के। ऑर्डर भी हमने सोल्व कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट अब हम सोल्व करते हैं। सो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर वन, क्योंकि ऑर्डर है वन। रेट के यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड, के कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल पर लीटर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसल, बचता क्या है सिर्फ सेकेंड इनवर्स। ऐसे आप किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। आई होप कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन कर देख सकते हैं। हमारे आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी एग्ज़ाम प्रेपरेशन में हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।